विधानसभा चुनाव के चलते सभी दिग्गज नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और इसी को लेकर इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसा माहौल है, जानने की कोशिश करेंगे। वहां से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वावेकर। राहुल जी, क्या कुछ माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल रवि, यहाँ पर काफ़ी उत्साहजनक माहौल फिलहाल देखा जा रहा है। हम लोग अभी खड़े हैं राजबाड़े पर, अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा गणपति पहुँचेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना के साथ में उनका एक ये कहें कि भव्य रोड शो है वो शुरू होने जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर रोड शो कॉरिडोर दिखाना चाहूँगा। राजबाड़े का ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है। इसी में कॉरिडोर के अंदर नरेंद्र मोदी का जो कारवा है वो यहाँ पर पहुँचेगा। बाकायदा रथ पर सवार होकर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र से ये रोड शो है वो शुरू होगा और उसके बाद क्षेत्र क्रमांक चार से होते हुए ये क्षेत्र क्रमांक तीन में पहुंचेगा। राजबाड़ा चूंकि शहर का हृदय स्थल माना जाता है और एक प्रमुख सांस्कृतिक और गतिविधियों का केंद्र है, तो ऐसे में इस स्थान पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका समापन होगा। यहाँ पर वो देवी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद ये रोड शो का समापन होगा। तकरीबन 2 किलोमीटर का पूरा जो ये कहें कि पूरा ये डिस्टेंस है जो रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कवर करेंगे। वो झाबुआ से यहाँ पर पहुँचेंगे और अभी कुछ ही देर में वो इंदौर पहुँचने वाले हैं और बड़ा गणपति से उनका ये जो रोड शो है वो शुरू होगा। उनके रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी व्यापक तैयारियाँ की थी और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो रोड शो का जो कॉरिडोर बनाया गया है उसके दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं इंदौर की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके उनके जो समर्थक हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ कार्यकर्ताओं को देखें तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ हैं और झंडे बैनर लेकर अपने प्रत्याशियों के जो नाम के कटआउट है वो लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। ये क्षेत्र है, ये शहर का हृदय स्थल है, बड़ी गतिविधि का ये चौक रहा है। चाहे हम रंगारंग गैर की बात करें, फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला में जब भारत की जीत होती हो तो यहाँ पर एक नज़ारा होता है वो ये जो पूरा क्षेत्र है ये हर बड़ी गतिविधि का एक राजबाड़ा जो है वो इंदौर की हर बड़ी घटना का गवाह भी बनता है, इसलिए यहाँ तक वो रखा गया है। चूंकि देवी अहिल्याबाई होलकर की है, नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कई बार देवी अहिल्याबाई होलकर को याद करते रहे हैं, उनके जो सत्कार्य हैं उसका बखान करते रहे हैं, तो ऐसे में उनके जो कार्यक्रम हैं वो माल्यार्पण का यहाँ पर रखा गया है। इस रोड शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने की थी और कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने पूरे इस रोड शो की कमान जो है वो अपने हाथों में ली थी और वो ही सारी तैयारी को देख भी रहे थे। चूँकि सुरक्षा का मामला है, ऐसे में एसपी जी ने जो तमाम सुरक्षा के बिंदु हैं वो अपने हाथ में लिए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस तकरीबन 3,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय लगातार इस पूरे रोड शो के मार्ग पर बने हुए हैं और सुबह से लेकर वो इस पूरे मार्ग का लगातार जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई कमी पेशी है उसको लेकर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री कब इंदौर पहुंचेंगे और बड़ा गणपति मंदिर में उनकी पूजा अर्चना के साथ में उनका जो ये रोड शो है उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद तकरीबन 2 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो रहेगा रवि, जिसमें वो यहाँ इंदौर के जो राजबाड़ा चौक है वहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर देवी
श्री अहिल्या भाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी है, इंदौर की जो 9 विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी है, वो इस समय राजवाड़ा चौक पर मौजूद है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। जो पार्टी संगठन और प्रदेश संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और इस पूरे कॉरिडोर को भगवा कॉरिडोर बनाया गया है। जो पूरा मार्ग है उसके दोनों तरफ ही भगवा कपड़े जो है वो लगाए गए हैं। इस तरह से एक कॉरिडोर यहाँ पर निर्मित किया गया है और एक ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जिस तरह से इंदौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर उसी भव्यता के साथ में स्वागत भी है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चूँकि सुरक्षा के काफ़ी पक्के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, कई सारी बैरिकेटिंग्स की गई है, कई चरण की सुरक्षा चक्र से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में जनता को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से जो आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर रोड शो देखने के लिए। आप लोग कितने एक्साइटेड है मोदी जी को देखने के लिए? बहुत एक्साइटेड है हम सभी, जन जन के नेता मोदी जी सबके दिलों पर राज करने वाले आज हमारे इंदौर में पधार रहे हैं, तो हम पूरे इंदौर वासी बहुत ज्यादा खुश हैं। आपको लगता है मोदी मैजिक एक बार फिर से बिल्कुल चलेगा? हमेशा चलता रहेगा, 100% करेगा। अच्छा, आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं मोदी जी को? अक्सर टीवी पे देखते हैं, आज रूबरू देखने का मौका मिल रहा है, कितना अलग रहेगा अनुभव? अलग तो रहेगा ही, क्योंकि कोई साक्षात सामने देख रहे हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट है कि देखने को मिल जाए एक झलक भी उनकी। क्या क्या पसंद आता है आपको नरेंद्र मोदी की? मोदी जो जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि देश में नहीं बाहर पूरे वर्ल्ड में उनका छाया हुआ है, दुनिया में उनका जादू चल रहा है। तो यहाँ पर रवि आप उत्साह देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार दिन रात इस चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं और अब चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आए हैं, उनके अगवानी के लिए, उनके रोड शो को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुद्दा जी, आप भी यहाँ पे आए हैं मोदी जी को देखने के लिए, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप, कितना एक्साइटमेंट है उनको देखने? लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, सारे लोग राजवाड़ा पे एकत्रित हैं और मोदी जी अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि लोग उनको देखने के लिए, उनको देखने की एक झलक उनकी देखने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो है जामड़ा बना हुआ है, लोग इकट्ठे हैं राजवाड़ा के ऊपर और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी जी जल्दी आए और उनके दर्शन करें। मोदी में जी काम करेगा जी? मोदी में जी काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। पूरे देश में मोदी मैजिक काम कर रहा है, पूरे देश के मतलब देश के बाहर काम कर रहा है, तो क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल, आप देखिएगा कैसे परिवर्तन होता है एकदम से मोदी जी का रोड शो होने के बाद में। ये दो दिन में आपको जो परिवर्तन नजर आएगा वो आप लोग देखिएगा। आप महिमी, आप भी लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो मोदी का जो रोड शो है पीएम मोदी का, उसके बाद में इंदौर का जो सीन है, इंदौर के आसपास का जो चुनावी सीन है वो बदल जाएगा? देखिए, आप देखिए, त्यौहार है, हिंदू का थोड़ा त्यौहार है आज, पर सब त्यौहार छोड़ के बहने का खड़ी है, भाई दूज का त्यौहार है आज, उससे दिख रहा है क्या माहौल बन रहा है और ऑटोमेटिक सबके अंडरकरंट आ गया मोदी जी का, सीटें सारी नो जीतेंगे इंदौर की हम लोग। आप लोग कहाँ से आए सर, कितने दूर से आए? आपका क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र काफ़ी दूर है, वहाँ से आप यहाँ पर आए केवल मोदी जी को देखने के लिए? बिल्कुल, मोदी जी को सुनने के लिए और देखने के लिए आए हैं और मोदी जी को एक झलक देखना ही सभी लोगों के लिए वो था कि ख्वाहिश। मेरे वार्ड से बसें भर के महिलाएं, लाडली बहना सारी बसें भर के आई है और सब इधर लाइन लगा के सब खड़े हैं, मतलब आज भाई दूज का त्यौहार होने के बावजूद पूरी बसें भर के आए हम लोग। कितने कार्यकर्ता आपके साथ में आए हैं? मेरे साथ में कम से कम 300 लोग आए हैं जी। अच्छा, क्या विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आप देख रहे हैं, आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या देख रहे हैं? देखिए, 5 नंबर में की बात करें तो लगभग आज अभी 301 वार्ड को बताइए उन्होंने, ऐसे समझ 4,500 लोग 5 नंबर से आए हैं, जगह नहीं मिली, बैरिकेड जो लगे हैं ना ऊपर, राजवाड़ा 5 नंबर से भरा हुआ है। आप देखिए, राजवाड़ा पूरा 5 नंबर को ही यहाँ स्थान दिया था। बाबा का ऐसा क्रेज है कि आप देखिए कि बाबा रे बाबा शुरू हो जाता है, बाबा दिखते बाबा सो जाता है, तो लोगों को बोलना पड़ता है ये शांति रखो, बाबा हो गए, बाबा है आपके। यानी आप मानते हैं कि मोदी जी का जो क्रेज है वो अभी भी बना हुआ है, मोदी जी का जो जादू अभी भी है और काम करेगा? जी बिल्कुल, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी।
यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता पहुँचे हैं और लगातार उनके साथ में कई सारे नेता और जनप्रतिनिधि है वो भी हैं। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से भी यहाँ पर हमारे पास साथ में कार्यकर्ता हैं। आप क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में ही आ रहे हैं, यहीं पर समापन होगा मोदी जी के रोड शो का, मोदी उत्साहित है? काफ़ी उत्साहित है और जो चीज़ हम चाह रहे थे वो हो गई है कि मोदी जी को आज सबको देखने को मिल रहा है लाइव, जो हम अभी बहुत दिनों से इच्छा थी। मोदी जी अभी काफ़ी दिनों बाद इंदौर पधारे हैं तो उनका स्वागत है तहे दिल से। कितने आपको लग रहा है कि क्या रोड शो फुल रहेगा पूरा एकदम? बिल्कुल जबरदस्त रहेगा। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी वो काफ़ी उत्साहित है, उनका एक साफ तौर पर कहना है कि मोदी मैजिक लगातार पूरे दुनिया में काम कर रहा है और ऐसे में इंदौर का उनका रोड शो है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा और उनका जो जादू है वो यहाँ पर चलेगा और ऐसे में इंदौर का जो चुनावी सीन है वो भी बदलेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। यहाँ पे ये अब चुनावी समय में देख सकते हैं यहाँ पर कि इस रोड शो को देखने के लिए जो राजवाड़ा चौक है वो पूरी तरीके से भर चुका है। केवल कॉरिडोर में अब इंतज़ार किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कब यहाँ पर आए, कब उनका काफिला यहाँ पर पहुँचे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी इंदौर नहीं पहुँचे, अभी बड़ा गणपति चौराहे पर उनका मंदिर पे सबसे पहले आगमन होगा और उसके बाद मंदिर में वो दर्शन के बाद में उनका जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा और तकरीबन 2 किलोमीटर का जो ये कहें कि डिस्टेंस से मार्ग है वो तय करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी राजवाड़ा चौक में पहुँचेंगे और यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो पीएम मोदी यहाँ इंदौर में बिताएंगे और जिस तरह से इंदौर का एक माहौल कहा जाता है, इंदौर एक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ कहा जाता है, पिछले विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर शहरी क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिली थी। इसके बाद में लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही थी। इसके बाद अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो इंदौर में भी जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा के समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद काबिज़ है। तो एक मजबूत गढ़ के रूप में इंदौर को पहचाना जाता है भारतीय जनता पार्टी के और वही एक ये कहें कि संदेश देने की कोशिश यहाँ पर इस रोड शो के जरिए दी जा रही है। जो इंदौर की जनता है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँची है। भारतीय जनता पार्टी का जो केडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में जो केडर है, एक्चुअल केडर है जो चुनाव में पार्टी के लिए काम करता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में, नेताओं के साथ में यहाँ पर पहुँच रहा है और अब बस बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का कि वो कब यहाँ पर पहुँचे और जो लोग हैं वो कब अपने चहेते जनप्रतिनिधि का, अपने चहेते पीएम का वो यहाँ पर दीदार करें, उनकी एक झलक पाने के लिए ही यहाँ पर जी राहुल जी जैसा है वो यहाँ पर जमा है। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह नजर आ ही रहा है, आम जनता में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए? जी बिल्कुल रवि, यहाँ पर जो आम जनता है वही यहाँ पर पहुँची है राजवाड़ा चौक, चूँकि एक ये कहें कि प्रमुख केंद्र है इंदौर का, एक तमाम तरह की जो गतिविधियाँ होती है उसका गवाह राजवाड़ा चौक रहता है और ऐसे में स्वतः ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो यहाँ पर पहुँचे ही हैं लेकिन जो आम जन है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और पीएम मोदी की झलक पाने के लिए ही वो यहाँ पर जुटे हैं। चूँकि यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है वो इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में आता है, ऐसे में जब मोदी जी का जो रोड शो है, पीएम मोदी का रोड शो इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से शुरू होगा, विधानसभा 4 होते हुए वो यहाँ पर विधानसभा 3 में पहुंचा, तो ऐसे में ये जो तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पूरे मार्ग को विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक विधानसभा के लिए जो स्थान है उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके जो प्रत्याशी उनके लिए स्थान जो है वो निर्धारित किए गए हैं, तो ऐसे में इन प्रत्याशियों को वो काफ़ी पहले से ही वो जगह जो है वो बता दी गई है, उनका जो स्थान है विधानसभा क्षेत्र का वो पहले से ही बता दिया गया है और ऐसे में ये जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और
अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में वो यहाँ पर मौजूद है। जो तमाम विधानसभा के प्रत्याशी हैं, इंदौर की जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल राजवाड़े पर ही मौजूद हैं और यहीं पर पीएम मोदी से इन सभी प्रत्याशियों की मुलाकात भी कराई जाएगी। ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जो प्रत्याशी हैं, ये पीएम मोदी के साथ में देवी अहिल्याबाई होलकर का जो माल्यार्पण कार्यक्रम है उसमें उनके साथ में शामिल रहेंगे। इसके अलावा नगर और प्रदेश कार्यकारिणी के और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार रवि मौजूद हैं और इस रोड शो को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी रवि, राहुल जी ये थे इंदौर से सीधे कार्यक्रम स्थल से जुड़े हुए थे राहुल वावेकर जी, जिन्होंने बताया कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना रोड शो शुरू करेंगे, बड़ा गणपति चौराहे से अपना रोड शो प्रारंभ करेंगे और राजवाड़ा पर आकर ये रोड शो समाप्त होगा। वहीं देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में ये इस रोड शो का समापन किया जाएगा। वहीं वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।